छोड़ दिया चिकन भाई ने तुम्हारे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग गुड इवनिंग कैसे आज? तो गुड इवनिंग ऐसे आज कि मैंने सोचा कि दोपहर की तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आज आपको गाज़ियाबाद की नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करवा देते हैं। और आज हम उसी कैफ़े जा रहे हैं जिस कैफ़े हम दिन में गए थे। तो हुआ क्या था कि उन्होंने हमें उस दिन बोला था कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीनों दिन वहाँ पर लाइव म्यूज़िक होता है, तो वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो गए थे राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और यहाँ पहुँच के तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था दैट वी वर एट गाज़ियाबाद। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ग्रेटर कैलाश दिल्ली में हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज GK, जहाँ पे आपको काउंटलेस पब्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके चिल कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो और पार्टी कर सकते हो। हाँ, वहाँ पर आपको खाना काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स में खाना भी मिल जाएगा और अच्छा एम्बियंस भी। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपनी कार की पार्किंग ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इधर उधर अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं और साथ साथ और रेस्टोरेंट्स भी चेक कर रहे हैं, ताकि अगर हमें वहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और तो हम चले जाएँ। वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, लाइव म्यूजिक को कह रहे हैं लाइव म्यूजिक। मैम आज बुक है, फर्स्ट फ्लोर प्राइवेट पार्टी है। तो गर्मी हो गया, एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ जाने से पहले ही मुझे रियलाइज हो चुका था कि मेरा बहुत बड़ा उल्लू बनने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जहाँ भी मैं बहुत एक्साइटेड होकर जाती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, इवेंचुअली वहाँ जाके मुझे कुछ और ही सिनेरियो मिल जाता है। अब हमें ये टेरेस दिखा रही थी, लेकिन वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हम दी वॉक जाएंगे। गाइस, सो वॉक में तो हमें एंट्री नहीं मिली, बट हे वी आर हेयर एट टासा एंड दिस इज आल्सो लुकिंग गुड। सो दिस इज आल्सो लुकिंग प्रीटी गुड। और यहाँ मैच वैच चल रहा होगा आई गेस, एंड दे हैव अ टेरेस आल्सो। चलो गाइस, लेट्स फाइंड अ सीट इन एसी बिकॉज़ इट्स रियली सुपर हॉट टू सिट ऑन टेरेस। टू मेनी, सोफे पे बैठने जाता हूँ। वो 6 दिन हो गए, हमें भी तो 2 मिनट 15। भाई देखो, हम लोग द वॉक गए, बट वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही थी, लाइव म्यूजिक था दोनों जगह, ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत भीड़ थी यार। और ये हमने नई जगह एक्सप्लोर करी है, अभी हम देखते हैं खाने वाने का इसका मेन्यू। और अच्छी है ना उन्होंने, हाउ डू यू फाइंड इट, बोलो क्या कैसी लगी? बढ़िया, एक नंबर। दोनों को भी बहुत अच्छी लगी, मैच वैच चल रहे हैं और वाइब्स अच्छी हैं यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये अभी खाली है, पर इसमें थोड़ी देर में कुछ आ जाएगा, तो मैं दिखाती हूँ जब आ जाएगा।
हक्का नूडल्स बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हेवन ऑफ ड्रम्स राइट बट वो नोनू खाएगा नॉट मी something special and this is drums of heaven and ye nonu khayega non vegetarian people ke liye and wo hi batayega kaisa hai acha what is it oh this place guys tasa aur unka fourth floor pe terrace bhi hai aur acha hai matlab it was nice लेफ्ट से जाना पड़ेगा आपको टॉप फ्लोर एंड गुड वाइब्स ओनली यस चलो जी चलें घर को शादी तो मिल रही है शादी चल तो रही है तो जी हम आ गए थे घर वापस और बहुत 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 अच्छा कैफे था वो टासा वाइब्स अच्छी थी वहाँ पर लोग भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे क्राउड काफ़ी अच्छा था फैमिलीज थी और बच्चे वगैरह भी थे दिन में जाओगे तो शायद अलग वहाँ पर थोड़ा सा आपको लुक्स मिले और आप फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे खींच सकते हो तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा नोनू को नॉन वेजिटेरियन वाला खाना वो जो आए थे ना ड्रम्स ऑफ हेवन तो उसको खा के उसको बहुत मज़ा आया हक्का नूडल्स काफ़ी ऑथेंटिक थे तो हक्का नूडल्स में क्या होता है ना कि जब वो उसे बॉईल करते हैं तो वो करते हैं नमक के पानी में इसलिए वो ऑथेंटिक होते हैं और उसकी नूडल्स में ही थोड़ा सा नमक होता है जैसे वो जो उसके साथ वेजिटेबल्स होते हैं उसमें कोई नमक नहीं होता तो उससे पता चलता था लेकिन अपन थोड़े से चटपटे खाने वाले हैं तो इसलिए हक्का नूडल्स वॉज एवरेज फॉर मी बट उसको अच्छे लगे थे ड्रम्स ऑफ हेवन तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ड्रम्स ऑफ हेवन या आपको वेज में और कुछ अच्छा लगता था वो भी ट्राई कर सकते हो बट नाइस प्लेस टू हैंग आउट तो येस आज के व्लॉग के लिए इतना ही था मेरे पास और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि अगली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आती रहे तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई लव यू ऑल बाय